नमस्ते, मैं voiceofbharat.org से बात कर रही हूँ और ओके प्रस्तुत करते हैं मिस्टर ब्रिजराज किशोर जी इटावा से। हाँ इटावा इटावा से। बोलिए सर। हाँ, मेरा जो एनजीओ है बेसिकली वो नेशनल एनजीओ है जानवी करके, वो फीमेल फर्टिसाइड पे काम करता है बेसिकली, जी फीमेल फर्टिसाइड पे। सर कंटिन्यू और बात करिए आप। फीमेल फर्टिसाइड पे काम करता है और ये जो है अभी तो कोई ग्रांट व्रांट मिला नहीं है। एक मैंने सेमिनार के लिए एक प्रपोजल डाला था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, तो वो अभी उसका बेसिकली कोई वहां से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मैंने 2009 में प्रपोजल दिया था तो वहां पे टाइम टू टाइम बेसिकली वो डायरेक्टर जो है फीमेल पीएनडीटी में, पीएनडीटी डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, तो टाइम टू टाइम डायरेक्टर चेंज होते रहते हैं इसलिए कोई रिस्पांस नहीं मिला। और दूसरा मैंने वुमेन्स पे एक सेमिनार के लिए प्रपोजल डाला था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड में, वहां से भी अभी कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया है। और किस आप तरह की एक्चुअली समस्या क्या है? पूछना चाहते हैं बता दूं कि यहाँ पे यूपी और बिहार में बेसिकली शिक्षा माफिया बहुत है, तो जगह जगह पान की दुकान की तरह स्कूल यहाँ खुलते जा रहे हैं लेकिन शिक्षा के नाम पर उतना प्रमोट नहीं किया जाता है लोगों को। बेसिकली दे आर जस्ट अर्निंग मनी, नथिंग एल्स। अच्छा, और आप तो जानती हैं सारा करप्शन यहाँ बहुत ज्यादा है, हर जगह करप्शन है, उस करप्शन के चलते जो है बहुत सारे काम रुके रहते हैं यहाँ पर। जी। और अगर कोई छोटा सा भी सर्टिफिकेट बनवाना हो, जैसे जात प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो या मूल निवास प्रमाण पत्र हो, जी, तो उसके भी लिए आपको कम से कम 200 या 300 रुपए देना पड़ता है यहाँ पे। जैसे अभी यहाँ पे जैसे आपने पैसा बैंक से निकाल के चले और लोग बैंक में लगे रहते हैं कि आपने कितना पैसा निकाला, और बैंक से बाहर गए आपका छीन लिया पैसा, गोली मार दी। एक बार मेरे पिताजी एक्चुअली पेंशन शुदा है, तो वो मेरा एक लोकल स्टेशन भरसना है तो वहाँ पेंशन निकालने गए, झोले में उन्होंने पैसे रख लिए 6,000 और वो किसी दुकान पे आके अपने नाश्ता करने लगे, झोला रख दिया उन्होंने। बाइकर से दो मोटरसाइकिल वाले पीछे लगे हुए थे, जी, वो झोला उठा के भाग गए। अरे, तो ये भी समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और रोड पे अगर आप जैसे कोई अपनी पत्नी को लेके जा रहा है मोटरसाइकिल से और वो ऑर्नामेंट पहने हुए जेवरात पहने हुए है, उसके वो जेवरात चढ़ा लेते हैं, गोली वोली मार देते हैं। हाईवे तो नेशनल हाईवे है, हमारे यहाँ से निकलता है नेशनल हाईवे नंबर 2, तो ये और बहुत सारी समस्या है, क्राइम बहुत है यहाँ पर। अच्छा, हाँ।